अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 500 नए स्कूल्स खोलने का वादा किया था, लेकिन स्कूल छोड़कर केजरीवाल की सरकार ने 1000 ठेके खुलवा दिए, तो नई शराब पॉलिसी पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार चौतरफा घिर गई। भाजपा ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं कुमार विश्वास ने केजरीवाल की जबरदस्त फिरकी ले ली। भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रोटेस्ट से सड़कों पर लंबा जाम लग गया। इधर मशहूर कवि कुमार विश्वास ने 500 करोड़ की डील की पोल खोल डाली, तो दिल्ली की सर्दी में सियासत का माहौल गर्मा गया। इसमें कुमार विश्वास ने छोटे वाले के साले का जिक्र किया तो सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर मौज ली। असल में दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अक्षरधाम मंदिर सहित राष्ट्रीय राजधानी में कई जगह सड़कों पर चक्का जाम किया गया। इस कारण रिंग रोड और कई अन्य प्रमुख मार्गों पर लंबा जाम लग गया। भाजपा के नेताओं की नारेबाजी, बसों पर चढ़कर झंडा लहराने की तस्वीरें आने लगी, तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, भाजपा नेता बौखलाए हुए हैं क्योंकि नई आबकारी नीति का उद्देश्य अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाना है। कभी अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी रहे कुमार विश्वास ने भी प्रतिक्रिया देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भाजपा नेताओं के प्रोटेस्ट से जुड़ी एक खबर को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के शराब माफिया का जिक्र किया। उन्होंने बड़ी ही चतुराई से किसी का नाम लिए बिना 2016 का एक किस्सा सुना डाला। उसमें उन्होंने पहचान के तौर पर छोटे वाले के साले का जिक्र किया। विश्वास ने लिखा कि पीने वालों की उम्र 21 से 18 करने और 1000 नए ठेके खुलवाने की पॉलिसी लागू करवाने की सिफारिश को लेकर 2016 में दिल्ली शराब माफिया दारू जमाखोर विधायक के साथ मेरे पास आया था। मैंने दुत्कार कर भगाया था और दोनों नेताओं को चेताया था। अब छोटे वाले के साले ने 500 करोड़ की डील में मामला सेट कर लिया। अब इस तरह की चर्चाएं होने लगी कि छोटे वाले और उसके साले कौन हैं। लोग ये अनुमान लगा ही रहे थे कि कुछ देर बाद उत्तम नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान का ट्वीट आ गया। विधायक ने लिखा कि लगता है आज सुबह गलत पदार्थ का सेवन कर लिया है आपने। 2021 तक दिल्ली में शराब पीने की आयु 25 वर्ष थी, नई नीति के बाद 21 वर्ष की गई है। उन्होंने विश्वास पर तंज कसते हुए लिखा कि दूसरा तथ्य ये है कि शराब का एक भी ठेका नहीं बढ़ा है, 4 कम हुए हैं, बाकी हमें पता है कि राज्यसभा का दर्द जीवन भर रहेगा। ऐसे ही झूठ फैलाते रहें। नरेश बाल्यान के इस ट्वीट में कुमार विश्वास को लेकर राज्यसभा की कथित महत्वाकांक्षा का तंज भी शामिल था। नरेश बाल्यान खुलकर मैदान में आ गए तो कुमार विश्वास को फिर चुटीले बाण दागने का मौका मिल गया। उन्होंने झट से ट्वीट किया कि चोर जो चुप ही रह जाता तो कम पिटता, बाप का नाम बताने की जरूरत क्या थी। मुस्कुराते स्माइली के साथ विश्वास ने कहा, मैंने तो बस दारू जमाखोर विधायक लिखा था, तुम ही आए, ये जताने की जरूरत क्या थी बालक। बहरहाल दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर शुरू हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने 500 स्कूल्स का वादा किया था, लेकिन 1000 नए ठेके खोल दिए।